जय हिंद वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड दोस्तों मात्र 25 मिनट में 25 मिनट की यह वीडियो करंट अफेयर में एक भूचाल लाने वाली है यहीं से प्रश्न आएंगे और पूरा नया एकदम से अपडेटेड वीडियो आप सभी के सामने रिविजन के तौर पर शतक के तौर पर देखिएगा कंसंट्रेशन मत भंग करना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे चाहे आप अपने एग्जाम हॉल में पेपर को परख लीजिएगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा कि टाइम पत्रिका ने 2021 में 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में किन तीन भारतीयों को शामिल किया है इसमें नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में चर्चे में है क्योंकि कहीं ना कहीं वाइडन और ट्रंप की बात करें जिनपिंग की बात करें पीछे छोड़कर एक नंबर वन स्थान बनाया है और भारतीयों में तीन भारतीय शामिल हैं टाइम पत्रिका में वो कौन है नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के जो आप कोरोना वैक्सीन के लिए जाने जाते हैं आदार पूनावाला तो तीन नाम आपको याद रखना है हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है टाइम्स पत्रिका का तो ये तीन नाम आपको याद रखना है भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख चीन चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन बने हैं तो दो क्वेश्चन याद रखना है कि किनकी जगह लेंगे तो आर के भदौरिया की जगह एयर मार्शल बी आर चौधरी लेंगे यानी इस समय जो बनने वाले हैं वो बी आर चौधरी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर थर्ड इसको नोट कर लेना दिमाग में बैठा लेना जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन टू जीरो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दो हजार तेईस की मेजबानी कौन करेगा भारत करेगा दोस्तों क्या करेगा भारत करेगा जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन दो हजार तेईस कहां पर होगा कौन मेजबानी करेगा तो भारत करेगा यह भारत के लिए स्वर्णिम यानी गोल्डन अवसर है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा गाइस बेहतरीन क्वेश्चन प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है प्राण पोर्टल है क्या जो हवा की गुणवत्ता है में घुली हुई अशुद्ध हैं हानिकारक जो हमारा इनवायरमेंट बन गया है इसको स्वच्छ बनाना ही प्राण पोर्टल कार्य करता है तो इसको जो है किसने लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है इंपॉर्टेंट है नोट कर लीजिएगा ठीक है क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राण पोर्टल किससे संबंधित है तो पर्यावरण की गुणवत्ता संबंधित है क्वेश्चन नंबर फाइव प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय एक कहीं ना कहीं विश्व में अपनी विख्यात यानी विख्यात के लिए प्रसिद्ध था और हम यहां कह सकते हैं कि राजा शंकर विश्वविद्यालय अब इसका नाम जाना जाएगा अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि राजा शंकर विश्वविद्यालय क्यों चर्चित में है कहां पर है तो मध्य प्रदेश में है पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो चरणजीत सिंह चन्नी काफी यहां पर चर्चित में है आपने देखा होगा दलित बनाया गया है कोई मुख्यमंत्री तो वो है चरणजीत सिंह चन्नी और यह पंजाब में कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं और किनकी जगह पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद में वैश्विक नवाचार सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर और चैनल पर पहली बार है कोई बहन कोई भाई हमारा तो सब्सक्राइब करें दिल से क्योंकि भारत का स्थान कौन सा है तो दोस्तों दो में जो भारत का स्थान रहा करता था वो रहा करता था चौवालीस दो अंकों की बात जो है कौन सा रहा करता था जल्दी से बताओ छियालीस या अड़तालीस तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि वर्तमान 2021 में छियालीसवे स्थान पर रहा है यानी वर्तमान की बात करें इससे पहले आपको 48 याद रखना है दो अंकों का सुधार रहा है दो अंकों का सुधार इस वर्ष देखा गया है एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक जिसका नाम है नेट ट्रैक्स को किस शहर में बनाया गया है तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि एशिया एशिया में एशिया तो महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया में अगर भारत का नाम आए तो वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नहीं दोस्त बिल्कुल बन जाता है एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक जिसका नाम है नेट्रैक्स को किस शहर में बनाया गया है इंदौर में बनाया गया है ऑप्शन जाएगा इंदौर जो भी आपका ऑप्शन होगा वहां पर कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ संघाई सहयोग संगठन का नौवां सदस्य बना है वर्तमान में कितने सदस्य हो गए हैं नौ सदस्य हो गए हैं पूछे कौन सा अभी हाल ही में नौवां बना है ईरान बना है अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछे कि ईरान कौन सा संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना है कौन से नंबर का तो नौमा बना है ठीक है फिर वहां पर ऑप्शन में नौ दस ग्यारह बारह होगा तो इस तरीके से किसी भी तरीके से क्वेश्चन छूट है ना अग्नि सीरीज की नई मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है डीआरडीओ के द्वारा किया है ऑप्शन डीआरडीओ जाएगा वहां पर इसरो भी ऑप्शन रहेगा तो डीआरडीओ आप ऑप्शन लगाएंगे पेमेंट्स बैंक

है वो सिक्किम राज्य की मछली है सिक्किम से दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिक्किम कितने देशों से मिलता है यानी टच करता है सीमा तो भूटान से चाइना से और नेपाल से तीन देशों की सीमाएं सिक्किम से लगती हैं सिक्किम की राजधानी क्या है सिक्किम की राजधानी है गंगटोक है तो यह भी आपको याद रखना है ठीक है ना तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा सिक्किम के साथ एशियन स्कूनर चैंपियनशिप यानी एशियन स्कूनर चैंपियनशिप ट्वेंटी का खिताब किसने जीता है बेहतरीन क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पंकज अडवाणी ने जीता है दोस्तों अगर आपको यह लगता है कि हम ये पूरी हंड्रेड की वीडियो देखें तो पच्चीस मिनट अपने यहां पर गुजार लेना और अपने आप को करंट अफेयर में महारत हासिल करवा लेना पंकज अडवाणी ने एशियन स्कूनरशिप चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है इंपॉर्टेंट है याद रहेगा भूलोगे नहीं ये भरोसा है घर घर न्याय दिलाने के लिए एक पहल ड्राइव यानी ध्यान दीजिएगा घर घर न्याय दिलाने के लिए एक योजना एक मंत्रालय के द्वारा एक अभियान लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एक पहल ड्राइव क्या है एक पहल ड्राइव जो है एक योजना है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा कि अगर कोई समस्या है तो भाई घर घर में आपको न्याय दिलाया जाएगा तो क्वेश्चन बन सकता है ठीक है फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं तो अगर बात करें तो पब्लिक जो है पॉलिसी डायरेक्टर भारतीय में भारत में राजीव अग्रवाल को नियुक्त किया गया है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा बना है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं दोस्तों ओडिशा से दो तीन क्वेश्चन पूछेगा ओडिशा में सबसे ज्यादा क्या है सबसे ज्यादा मगरमच्छ आपको मिलेंगे तीनों प्रजातियां मगरमच्छ की मिलेंगी ओडिशा में आपको कछुआ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कछुआ अभ्यारण्य कहां पर है तो कछुआ अभ्यारण्य है भितर कनिका अभ्यारण्य जो उड़ीसा में पड़ता है और उड़ीसा में सबसे ज्यादा कछुआ और मगरमच्छ पाए जाते हैं रेल कौशल विकास योजना को किसने लॉन्च किया है तो भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया है विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लड टेस्ट रक्त परीक्षण सबसे ज्यादा ब्लडिंग टेस्ट जो होने वाली टेस्टिंग है वो कहां पर हुई है दोस्तों ब्रिटेन ने जो है किस देश में शुरू किया गया ब्रिटेन में सबसे बड़ा रक्त परीक्षण शुरू कर दिया है अगर मैं बात करूं रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों जीके में तो हिमेटोलॉजी कहते हैं और रक्त के पीएच का मान कितना होता है सेवन पॉइंट फोर होता है रक्त में कौन सी धातु होती है फेरस होती है यानी लोहा होती है नेक्स्ट किस राज्य की शाही लीची को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है लीची अगर आए तो बिहार मारना दोस्त लीची आए तो बिहार मारना और जीआई टैग का मतलब होता है जेग्रोफिकल इंडिकेशन जो भौगोलिक संकेत होते हैं इंडिकेट करते हैं भौगोलिक का मतलब होता है जेग्रोफिकल ठीक है ना सहभागी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना किस राज्य ने शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है मातृभूमि योजना को मजबूत करना है तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन सकता है कि मातृभूमि योजना किस राज्य सरकार की है तो उत्तर प्रदेश की है पैतालीसवीं जीएसटी काउंसिल बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है भारत में तो लखनऊ में किया जा रहा है और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है इस चीज को आप याद रखें लखनऊ को हम कहते हैं नवाबों का शहर कहा जाता है और दोस्तों यहां पर जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है और वो नंबर कौन सा है ये याद रखना पैंतालीसवा ड्राई राशन योजना ड्राई राशन स्कीम को किस राज्य ने शुरू किया है ड्राई राशन योजना को शुरू किया है ओडिशा राज्य ने शुरू किया है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी यानी हम कह सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश के 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया किस देश को यानी कौन सा देश अब जो है 2022 में जो ओलंपिक होने वाला है शीतकालीन वो उससे अब बाहर हो गया है वो है उत्तर कोरिया दोस्तों क्लियर है इंपॉर्टेंट है चर्चे में है काफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का नाम बदलकर कर दिया गया है हरीगढ़ कर दिया गया है यह भी आपको याद रखना है ठीक है ना इस चीज को आप याद रखें अगला क्वेश्चन शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है एक ऐसा बोर्ड जिसको एनआईओएस बोर्ड कहते हैं यूनेस्को साक्षरता यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है क्या कमेंट कीजिएगा यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है किसे प्रदान किया गया है एनआईओएस को अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एनआईओ एस को कौन सा पुरस्कार मिला है तो यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार मिला है किस आई आई टी संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है तो आई आई टी बॉम्बे बी आई क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस क्लियर है अगला क्वेश्चन कहां के बिलो क्रिकेट बैट बिलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया जाएगा मैंने अभी बताया आपको कि कश्मीर में कश्मीर में दोस्तों जो है क्या नाम उसमें क्या बताया था अभी भाई लीची की बात करें तो हम कहते हैं क्या बिहार के लिए जाने जाता है शाही लीची के लिए इसी तरीके से जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है वो बिलो क्रिकेट बैट बिलो क्रिकेट बैट का मतलब है यहां पर जो बिलो लकड़ी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि क्रिकेट का जो बल्ला होता है ध्यान दीजिएगा बहुत क्रिकेट प्रेमी रहे हो जितने भी बच्चे देख रहे वीडियो में तो अगर आप क्रिकेट प्रेमी हो तो समझो कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्रिकेट का बल्ला होता है वो किस लकड़ी का बना होता है तो क्रिकेट का जो बल्ला होता है वो बिलो लकड़ी का बना होता है और ये लकड़ी पाई जाती, जाती है कश्मीर में पाई जाती है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है याद रखो तो इसीलिए बिलो क्रिकेट बैट को जी टैग दिया गया है जो आप लोग बल्ला खेलते हो ना आप लोग जिससे खेलते हो वो नहीं होता बिलो वो तो सस्ता वाला होता है ठीक है किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना एग्रीकल्चर जो है डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया है तो दोस्तों यहां पर गुजरात ने लॉन्च किया है गुजरात सबसे लंबी तटी रेखा वाला राज्य भी है भूगोल भूगोल में अगर जाए उन्तीस और तीस अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है दोस्तों अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो 16 सितंबर को मनाया गया है 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है ओजोन का फुल फॉर्म क्या होता है ओजोन की बात करें दोस्तों जो सांकेतिक रूप होता है ओथरी होता है ओजोन को मैंने इन्वायरमेंट में बताया भी है कि कैसे बनता है कि अड़ुओं से बनता है ऑक्सीजन से बनता है ओथरी यानी ओ टू प्लस ओ बरावर ओथरी बनता है और ओजोन को नष्ट करने वाली कौन सी गैस है तो ओजोन को नष्ट करने वाली है गैस फ्रियान है जिस

एनसीआरवी को कहा जाता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण अपराधों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है जो पर्यावरण अपराध है बोले क्या बोले क्या जो है पशुओं को मारना है तो वो अपराध हो गया बोले क्या कि इस लकड़ी को जो राष्ट्रीय सुरक्षा की परिदेश्य से जो लकड़ी है उसको काटना वनों को नष्ट करना जीव जंतुओं को हानि पहुंचाना वो कितने प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है भारत में अठहत्तर प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है याद रखो दोस्तों बहुत ये गलत बात है और हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा जिसका नाम है संसद टीवी पहले लोकसभा और राज्यसभा एक हुआ करते थे अब एक जो है अलग हुआ करते थे अब इनको एक कर दिया गया है, है ना तो अब एक नया नाम हो चुका है संसद टीवी हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है तो सोलर पंप की बात करें तो यह पीएम कुसुम जो है पीएम कुसुम एक केंद्र सरकार की योजना है जिसके अंदर सोलर पंप लगाने के लिए हरियाणा हो जाएगा एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सबसे कम वन कहां पर पाए जाते हैं हरियाणा में पाए जाते हैं दुबई गोल्डन वीजा पाने वाला दुबई दुनिया का पहला गोल्फर कौन बना है तो जीव मिल्खा बना है आई एम पी क्वेश्चन है पिछले बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है यह थोड़ा सा तीन महीने पहले का जो है क्वेश्चन है और यह पूछा जा रहा है लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए अभी का क्वेश्चन कह रहा है कि बाजरा मिशन किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है बाजरा मिशन जो है छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है अभी छत्तीसगढ़ के दो क्वेश्चन मैंने अभी आप उ, आपको ऊपर बताया तो दोनों को एक साथ में याद कर लो ठीक है ना वो वाला जो है आधारशिला रखा गया था एक टाइगर रिजर्व वाला है गांधी स्मृति और दर्शन समिति गांधी स्मृति और दर्शन समिति की बात करें तो जीएसटीसी के जो है डीएस के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं तो विजय गोयल बने हैं इंपॉर्टेंट है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई है तो यह ओपन एयर फर्नरी खोली गई है उत्तराखंड राज्य में किस राज्य में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधन अनुवांशिक रूप से संशोधन जो है रबर का पौधा लगाया गया है जो जेनेटिक की बात करता है जेनेटिकल प्रॉब्लम जिसमें होती है जो है गुण जिसमें पाए जाते हैं वो असम में लगाया गया है और असम में आप सभी को बताया भी है कि काजीरंगा और मानस अभ्यारण्य भी है गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो यहाँ पर भूपेंद्र पटेल बने हैं और पंजाब के कौन बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी बने हो सकता है ये बदल भी जाए लेकिन फिलहाल की मैं बात कर रहा हूं देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा लग्जरी बस बोट सेवा कहाँ पर चलेगी दोस्तों कहाँ पर चलेगी कहीं ना कहीं पानी में चलेगी और बस बोट अगर है वो भी लग्जरी है दोस्तों तो हम ये कह सकते हैं ये कहाँ पर है श्रीनगर में बहुत बेहतरीन दृश्य होगा अगला समीर शर्मा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं तो आंध्र प्रदेश के बने हैं कृषि से संबंधित नुआखाई नुआ खाई फेस्टिवल है ये किससे संबंधित है ये दोस्तों एग्रीकल्चर से संबंधित है किस राज्य में मनाया गया है उड़ीसा राज्य में मनाया गया है उड़ीसा से अभी मैंने बताया दो तीन क्वेश्चन बताया एक मगर मगरमच्छ वाला बताया है एक अभी जो है विश्वविद्यालय वाला भी बताया है और एक अभी कृषि वाला बताया है तो ये आपको याद रखने हैं ठीक है चलिए देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है इसका नाम आई ध्रुव है देश का प्रथम है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्या है न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज़ आई ध्रुव क्या है न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज तीन तरीके से पूछ सकता है किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया है बहुत ज़्यादा चर्चे में है भारत में फोर्ड कंपनी को घाटा हो रहा था इसलिए जो कार निर्माता कंपनी फोर्ड है इसने भारत में ये कह दिया कि मैं अब कार भारत में नहीं बनाऊंगा या नहीं जो है हम सारे जो है अपने कारखाने बंद कर रहा हूं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं वीआईएमपी क्वेश्चन है, वी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर देखिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप तो अभी अभी जो है जयपुर का पार्ट आप देखते थे तो उसमें कहीं ना कहीं आपातकालीन पट्टी को जो है देखा जाता था और जहां पर लड़ाकू और फाइटर विमान को उतारा गया राजस्थान का क्षेत्र ऑप्शन नंबर जाएगा राजस्थान के साथ जो भी आपका ऑप्शन हो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार इंपॉर्टेंट तरीके से यह क्वेश्चन आने वाले छह महीने में पूछा जाएगा अगला किस राज्य की सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है तो वो पश्चिम बंगाल में शुरू किया है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी अभी टाइम पत्रिका में जो पहला क्वेश्चन करा है वो याद रखो कि टाइम पत्रिका में इनका नाम है समुद्र शक्ति द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है तो इंडोनेशिया राजधानी है जकार्ता दोस्तों और यहां पर दोस्तों इंडोनेशिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि समुद्र शक्ति किनके बीच का है तो

विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र जिसका नाम है ओरका संयंत्र वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ओरका संयंत्र गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है याद कर लो इसको ओरका संयंत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा कार्बन अवशोषण संयंत्र बना है जो कहीं ना कहीं कौन से देश का हिस्सा है वो आइसलैंड का हिस्सा है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है तेरहवा वृक्ष सम्मेलन दो की मेजबानी कौन करेगा भारत करेगा यहां पर मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में नोट कर लेना दोस्तों हंड्रेड परसेंट बनेगा तेरे, तेरे में जो है वृक्ष जो है शिखर सम्मेलन 2021 की भारत करेगा जी ट्वेंटी की भारत करेगा ठीक है अभी अभी आपको याद रखना है कि अभी अभी इसका जो है कौन करेगा नहीं हो चुका है ये आप याद रख लो अभी हुआ है जस्ट कुछ ही दिन पहले हुआ है लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन में करेगा पूछे या तेरहवा या हजार इक्कीस सम्मेलन का जो है मेजबानी किसने करी है तो भारत आपको मारना है बस इतना ध्यान देना है ठीक है और 2023 वाला जी भारत आपको मारना है भारत का पहला डोंगोंग संरक्षण रिजर्व अच्छा 2021 का जी ट्वेंटी कहां पर हुआ है इटली वाली बात करेंगे ठीक है वो भी आपको याद रखना है डंगोंग संरक्षण रिजर्व कहां पर स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में वी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है काफी चर्चे में है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मैंने टोक्यो पैरालंपिक की वीडियो भी अलग से बनाई उसमें बताया भी था उन्नीस पदक जीते हैं आंसर उन्नीस के साथ जाएगा भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं तो नए प्रबंधक जो निदेशक बने हैं वो सुमन शर्मा ठीक है टाटा मोटर्स टाटा पावर ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट यानी जो कारपोर्ट लगाया है वो सोलर सिस्टम लगाया है वो लगाया है पुणे में यानी महाराष्ट्र में लगाया है तीन सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक समझौता करने है में पूछे तो इंडिया आपको याद रखना है वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि अगर ईमानदारी सिलेक्शन से से हर बहन हर भाई को चाहिए तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करना क्योंकि अगर आप देखें टाइम दोस्तों बहुत कम समय के अंदर पूरी फैक्ट के साथ पूरी सिद्धत के साथ पढ़ाते हैं क्योंकि सिद्धत से सिलेक्शन चाहिए किस राज्य में देश का टाइगर रिजर्व बनाया गया है तो बावनवा टाइगर रिजर्व राजस्थान को यहां पर प्राप्त हुआ है राजस्थान आपको लगाना है अवनी लेखरा से दो क्वेश्चन बनेंगे अवनी लेखरा का एक क्वेश्चन मैं अभी आगे कराऊंगा यानी दो स्लाइड के बाद टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है अवनी लेखरा बी आई एम पी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है याद कर लो अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन और जलवायु शिखर सम्मेलन तो भारत करेगा यह बात याद रख लीजिएगा अब बात आती है सोलांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है तो सोलांग त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है इस चीज पर आप नजर रखें अभी अभी मनाया गया है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफ एस डी सी की चौबीसवीं बैठक की अध्यक्षता किसने करी है तो जो वित्त परिषद की अध्यक्षता करेंगी वित्त मंत्री और वो है निर्मला सीताराम कौन सी बैठक हुई है चौबीसवीं बैठक हुई है अगला कहा की सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए साथ ही योजना की शुरुआत की है ग्रामीण महिलाओं ने साथ ही योजना जम्मू कश्मीर में अभी देखिए लग्जरी बोट सेवा आयो, आयोजित करी गई है वो देश की पहली है वो कश्मीर में है जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो एक लॉन्च करी गई योजना जिसका नाम है साथ योजना किसके द्वारा ग्रामीण महिलाओं के द्वारा लद्दाख सरकार ने किसको राजकीय पशु और किसको जो है राजकीय पक्षी घोषित किया है क्या जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस क्योंकि यह अभी अभी बना है और लद्दाख क्षेत्र में हिम तेंदुआ को राजकीय पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राजकी पक्षी घोषित किया है यह बात आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन राजस्थान सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एंबेसडर बनाया देखो अभी अभी बताया कि पैरालंपिक खेलों में दो पदक अभी मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिएगा टोक्यो तो पैरालंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा और यहां पर देखिए राजस्थान सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है अभिन लेखरा को मुफ्त पानी योजना फ्री वाटर स्कीम किसने भैया लॉन्च कर दी है कौन सा ऐसा राज्य है देश का पहला राज्य गोवा हो गया है गोवा की राजधानी दोस्तों पड़जी हो जाएगी सबसे छोटा राज्य एरिया वाइज के अनुसार सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के अनुसार सिक्किम होता है गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है गोवा बसा हुआ है मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है कौन सी मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है इस चीज को आप याद रखिएगा अगला देश के नए उपचुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं श्रीकांत टी नियुक्त किए गए हैं तो श्रीकांत टी जो है इलेक्शन कमिश्नर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर विश्व एथलीट्स जो एथलेटिक्स रैंकिंग होती है ना वर्ल्ड एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 2021 में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर रहे दोस्तों दूसरे स्थान पर रहे हैं 2021 में और इन्होंने जेविलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा एक जो है जेविलिन थ्रो की बात करें भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में टोक्यो तो ओलंपिक में भारत के किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन उद्घाटन जो है हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में उद्घाटन उद्घाटन किया गया इसका स्मोक टॉवर भारत के पहले स्मोक टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है तो न्यू डेली में स्थापित किया गया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग जिसको हम कहते हैं जो इन्वायरमेंट ईवी का मतलब है इन्वायरमेंट की बात कर सकते हैं या मैं ये कह सकता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर सकता हूं जो अनुकूलन की बात कर रहा है ना अनुकूलन में क्या है इनवायरमेंट से जुड़ा हुआ अनुकूलन का मतलब होता है कि जो हमारे एनवायरमेंट को सही रखे बैलेंस रखे। यहां पर क्या है कि भाई देखो ई व्हीकल फ्रेंडली जो है हाईवे कौन सा बन गया है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बन गया है किस राज्य को दो मिठाई सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत यानी जीआई यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है पश्चिम बंगाल यानी दो मिठाई जिसका नाम है सरभजा और सरपुरिया दो चीजें आपको याद रखना है सरबजा और सरपुरिया कहां की है पश्चिम बंगाल जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक कहां पर स्थापित किया गया है तो यह जो है हेरिडिटी से संबंधित है दिल्ली में किस भारतीय संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता वुमेन स्पीकर पर्सन स्पोक्स पर्सन नियुक्त किया गया है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जोया अग्रवाल का काफी नाम चर्चे में है याद रखिएगा किस राज्य की सरकार ने तीन दशमलव पांच करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड यानी स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है तो उड़ीसा से तीन चार क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं उड़ीसा जो है स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा कर चुका है राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट करो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करो तुरंत कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य की सरकार ने एक जो है योजना लॉन्च करी है तो उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में होगा तो निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन होगा गुजरात राज्य में और गुजरात की बात करी जाए तो गुजरात जो है तटीय रेखा वाला सबसे लंबा राज्य है मैंने अभी बताया काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध गुजरात जहां पर कपास का उत्पादन भी होता है और नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा गुजरात में ही होता है भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर सेंटर इंडियाज फर्स्ट ट्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहां पर खोला गया है तिरुअनंतपुरम में खोला गया है जो तिरुअनंतपुरम के साथ जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा तो गोरखपुर में खोला जाएगा इस चीज को आप याद रखें गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा पार्ट है जहां पर काफी चर्चे में है चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस बार दो में हमने इसके सौ वर्ष पूरे किए हैं तो इसलिए चौरा चौरी हत्याकांड की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हम इस चीज को याद रखें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नया नाम जो बदलकर कर दिया गया है अभी ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने हरिगढ़ को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन जो व्हील है वो आइन दुबई यानी जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन जो व्हील आइन दुबई जिसका नाम है आइन दुबई किस देश में खोला गया तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा संयुक्त राज्य अमीरात नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री के शर्मा ओली काफ़ी बार जो है इनका पद जो है आ, हमेशा रहा स्थायी रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे पदक जीते हैं सबसे ज़्यादा पदक अमेरिका ने जीते हैं 1.1 मिलियन से भी ज़्यादा वॉच किया है जो तो पैरालंपिक की मैंने वीडियो बनाई है टोक्यो ओलंपिक की अलग से वीडियो बनाई है देखा होगा आप सभी ने किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट को खत्म किया है तो लद्दाख ने खत्म कर दिया है अगला देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है काकोरी कांड कब हुआ था मुझे जरा बताइएगा क्या 1925 में हुआ था मेरे हिसाब से कि भाई काकोरी जो कांड हुआ था उसमें जो है अगर डेट आपसे पूछा जाए कि भाई डेट जो है अगर आपसे पूछा जाए तो मेरे हिसाब से भाई 1925 हो जाएगा कि जो 1925 में काकोरी हत्याकांड हुआ था हत्याकांड का मतलब है कि जो आपके काफी लोगों को फांसी दी गई थी ठीक है फांसी दी गई थी और जिसमें राम प्रसाद बिश्मिल भी थे बहुत सारे लोग थे लाहिड़ी थे सहारनपुर लखनऊ वाला जो आ, ट्रेन वाला था ट्रेन आ, को रोक दिया गया और उसमें जो है पूरा सरकारी खजाना को लूट लिया गया है ना तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो है काफ़ी लोगों को फांसी मिली थी जो रामप्रसाद बिस्मिल उसमें नाम प्रथम था काकोरी कांड 1925 में हुआ था आपको यह याद रखना है 9 अगस्त 1925 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गुजरात के मुख्यमंत्री ने भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल ए टावर का निर्माण किया है तो लद्दाख का क्षेत्र याद हो जाएगा लद्दाख से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं ठीक है ना चीज आपको याद रखना है कि हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे सवाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कतर में है कतर की राजधानी क्या है कतर की राजधानी दोहा ठीक है ये चीज आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट के दस प्रश्न आप देखेंगे कि किस राज्य की सरकार ने पशु कल्याण के लिए पहला पशु वॉर रूम स्थापित किया है तो कर्नाटक में कर्नाटक में एक आपका लोक नृत्य है जिसका नाम है यक्षगान यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है कर्नाटक का है कर्नाटक में सबसे ज्यादा काफी होती है ये भी आपको याद रखना है चंदन होता है भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन और पुणे की पहली मेट्रो का निर्माण कौन सा देश कर रहा है तो सबसे हल्की ट्रेन भारत में अगर कौन निर्माण कर रहा है वो इटली कर रहा है और पुणे की पहली मेट्रो का आयोजन भी इटली कर रहा है भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब किसने जीता है भारत केसरी कुश्ती दंगल का खिताब जीता है लाभांशु शर्मा ने वीआईएमपी क्वेश्चन क्लियर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है तो कहां से पदक जीता है अच्छा क्वेश्चन है किसराधी की सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर हित स्टोरी योजना हर हित स्टोरी योजना कैसे याद करोगे हर हित स्टोरी योजना हर हर, हर 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 हरी हर हरी ठीक है ना याद हो गया हरियाणा ने हर हित योजना स्टोर योजना जो है, है।, है श्रीलंका को अगला क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक दो में लवलीना आपने बहुत नाम सुना होगा जो लवलीना है उन्होंने कांस्य पदक जीता और ये किस में जीता है इनका खेल कौन सा है जैसे अगर मैं बात करता हूं कि भाई नीरज चोपड़ा का जो है जेवलिन थ्रो है ठीक है ना इसी तरीके से अगर मैं बात करूं भाई बजरंग पूनिया का कहां पर है तो आप जानते हो भाई कुश्ती में है लेकिन ऐसे ही यहां पर लवरीना का नाम जो आता है मुक्केबाजी में आता है ठीक मेरी कॉम का मुक्तबाजी में आता है कोविड नाइनटीन के खिलाफ सौ टीकाकरण करने वाला पहला जो है भारतीय शहर कौन सा बन गया है भुवनेश्वर बन गया है पहला राज्य कौन सा बन गया है हिमाचल प्रदेश बन गया है जो पूरी तरीके से टीकाकरण कर चुका है स्मार्ट किचन योजना को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है तो केरल की सरकार ने लॉन्च किया है स्मार्ट किचन योजना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हल्दीबाड़ी चिलहटी रेलवे मार्ग भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है तो चिलहटी जो है रेलवे मार्ग है वो बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू किया गया है और ये रहा आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन भारत के नए लेखा महानियंत्रक जो सी कहलाते हैं वो हैं दीपक दास और अंतिम क्वेश्चन है आप सभी का कि किस राज्य की सरकार ने पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना को शुरू किया है वाह क्या बात है अच्छा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों यहां पर ऑप्शन जाएगा मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश वाला मैंने एक और क्वेश्चन बताया था कि भाई छिदवाड़ा जो विश्वविद्यालय का नाम बदलकर कर दिया गया है शंकर विश्वविद्यालय जिनका पूरा नाम आप देख सकते हो मैंने पढ़ाया हुआ ऊपर कि भाई पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए जो अंकुर योजना है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए एक वॉर्न वीटा वाली वीडियो होगी मैं उम्मीद ये करता हूं कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और जितने भी बच्चे यहां पर देख रहे हैं उन सभी से बस इतना कहना चाहूंगा कि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंचने चाहिए यह आपसे मैं उम्मीद करता हूं और उम्मीद पर आप हमेशा खरे उतरते हो वंदे गुरु जी वर्ल्ड करें पीडीएफ को प्राप्त करें सर्च करेंड फिर से सुने सर्च करना है केवल गुरु जी वर्ड जी यू आर एक स्पेस देना है डब्ल्यू आर एल डी इतना ही सर्च करना है ऐसा आपको लोगो मिल जाएगा ग्रीन वाला बहुत सारे बच्चे लाखों बहनें लाखों भाई वहां पर जुड़े हुए हैं तुरंत आप सर्च करें और ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप जिससे हर बच्चे का सिलेक्शन हर बहन का सिलेक्शन एक सरकारी सीट में मिल पाए इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम आदाब सस्रियाकाल ताल ठोक कर जय महाकाल